मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशन हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करके हड़कंप मचा दिया है कि अपने प्रेमियों से शादी करने के लिए 23 हिंदू लड़के और लड़कियां मुसलमान बनना चाहते हैं। मौलाना ने यहां तक दावा किया है कि काफी हद तक वे लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं और अब कानूनी तरीके से अपनी शादी करना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा खान का ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब बरेली अंतर धार्मिक शादियों को लेकर चर्चा में है। यहाँ एक आश्रम है, अगस्त मुनि आश्रम, जहाँ मुस्लिम लड़कियाँ धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कों के साथ विवाह रचा रही हैं। इसी को लेकर बरेली में लंबे समय से अंतरधार्मिक विवाह और उस पर विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में मौलाना तौकीर रजा खान ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये दावा किया कि उनकी पार्टी IMC यानी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल 21 जुलाई को बरेली में एक सामूहिक विवाह करने जा रही है, जिसमें 23 हिंदू लड़के लड़कियां इस्लाम धर्म स्वीकार करके मुसलमान बनेंगे और मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ मुस्लिम लड़के और लड़कियों यानी अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ शादी रचाएंगे। देखिए मौलाना तौकीर रजा खान ने क्या कहा कि जैसा कि आप तमाम लोगों के मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है, आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, ज़िला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को
अपने मजहब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। अभी मैं तफसील उनकी इसलिए जारी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को दिक्कत आती है, घर वालों को दिक्कत आती है, दबाव बनाए जाते हैं, परेशान किया जाता है, तो उनको परेशानी से बचाने के लिए मैंने उनका जिस दिन जिला प्रशासन वाले चाहेंगे तो उनसे बात की जाएगी, उनसे मुलाकात भी कराई जाएगी। सामूहिक तौर पर करवाना शुरू करवाना चाह रहे हैं तो क्यों, ऐसा क्या सोचा है सर? नहीं नहीं, आप सवाल ये जो सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन बात आई है निकल वो नहीं, धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले जी, जी आपस में रह भी रहे हैं जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है ये ना हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है ना मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। सामाजिक तौर पर जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है और जो जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हराम कारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जो साथ रह के हराम कारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियाँ हिंदू भी हुए हैं और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए, और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। साथ फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है, और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है।